अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियो, मैं हूं हारिस अजमी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की कैलकुलेशंस लेकर। स्कॉर्पियो 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर के दरमियान पैदा होने वाले लोगों का सितारा है। इंतहाई आर्टिस्टिक माने गए हैं, बहुत क्रिएटिव माने गए हैं, अपने आइडिया से दूसरों को मुस्तफीद करने वाले एंड हम्बल, डाउन टू अर्थ बट सेंसिटिव और थोड़े से क्रिटिकल होते हैं। समझना इतना आसान नहीं होता इन लोगों को, और अपनी सलाहियतों में किसी वक्त भी नई सलाहियतें पैदा कर लेते हैं। तो ये क्वालिटी भी है और एक तरह की नेगेटिविटी भी है कि जिन लोगों का वास्ता स्कॉर्पियो से पड़ता है उन्हें इनके रूल्स सीखते सीखते उम्र गुजर जाती है। खैर, इस हफ्ते नए रास्ते स्कॉर्पियोज़ को मिलने जा रहे हैं। बड़े अरसे से मेरे ऑफिस में भी जो लोग स्कॉर्पियोज़ थे, स्कॉर्पियो नेचर के थे, यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक की पैदाइश वाले लोग थे, वो अक्सर कंप्लेन करते थे, बहुत ट्रबल में थे, पिछले हफ्ते तक ट्रबल में रहे, लेकिन अब पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी उनके आइडिया मेकिंग के लिए, ये पॉजिटिविटी उनकी प्लानिंग के लिए, ये पॉजिटिविटी उन्हें ज़िंदगी के भंवर से निकालने के लिए बहुत मौजूद। उम्मीद करता हूँ कि वो अपने आप को पहचानेंगे, अपनी फितरी सलाहियतों को पहचानेंगे, अल्लाह की नेमतों को पहचानेंगे और कामयाबी से इस हफ्ते हमकिनार हो सकेंगे। गर्दशे अय्याम को टालने वाला सितारा जुपिटर, स्टार ऑफ गुड लक, स्टार ऑफ बिग रिवॉर्ड्स, स्टार ऑफ सडन गेन्स, स्टार ऑफ सिल्की पास, इस वक्त आपको सपोर्ट करना शुरू हो गया है अल्लाह की नेमतों में से। ये जो सितारा सपोर्ट करता है, ये इनडायरेक्टली अल्लाह ताला की तरफ से ही बाहर का सीज़न शुरू होता है। ये कोई सितारे की ताकत नहीं है कि वो हमें कुछ दे सके। इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी का मौसम पैदा कर दिया है, अगर आप इस वक्त अपनी पुरानी नाकामियों को भुलाकर नई कामयाबियों की तरफ बढ़ेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बीइंग एस्ट्रोलॉजर कि आप इस हफ्ते अपने पछतावों को, अपने रिग्रेट्स को, अपनी कमज़ोरियों को दूर कर पाएंगे। लव सेक्टर में खुसूसी मकाम हासिल हो सकेगा, नाराज़गियाँ दूर हो पाएंगी। बहस और तकरार की वजह से जो नाराज़गियाँ पैदा हुई थी, एक दूसरे पर शकूक की वजह से जो नाराज़गियाँ पैदा हुई थी, या आपके उस वक़्त जो आपको लगा था कि ये लोग मुझसे चालाकी कर रहे हैं या मुझे समझ नहीं पा रहे, वो वाली जो आपके दरमियान डिस्टेंस प्रोड्यूस करने वाले इश्यूज थे वो रिपेयर होते हुए देख रहा हूँ। ये हफ्ता लाइफ पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है, स्कॉर्पियोज स्पेशली मेल स्कॉर्पियोज के लिए ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव है। अगर किसी को प्रपोज करना है, रिश्ता या अज़्दवाज के लिए पैगाम भेजना है, तो ये सही टाइम है और इस टाइम में कामयाबी का उनसर आपको मुयस्सर आ जाएगा। लोग भी फर्माबरदारी करेंगे, उस तरह की फर्माबरदारी नहीं कि हाथ बांध के खड़े रहेंगे, लेकिन इस तरह की फर्माबरदारी कि आपकी बात को इग्नोर नहीं करेंगे। इससे आपकी दिलजोई भी होगी, इससे आप अपने कॉन्फिडेंस में भी इजाफा देखने को मिलेंगे। ख़ास तौर पर ज़हनी खलफशार को, ज़हनी इंतशार को कम करने का मौका मिलेगा। अभी तो इब्तदा है, लेकिन जब रफ्ता रफ्ता ये कामयाबियां तसलसल से मिलेंगी तो आपके खोए हुए एतमाद में भी बहाली का सामान हो सकेगा। इतनी पॉजिटिव न्यूज़ से ये हफ़्ता बड़ा कामयाबी से गुजरने वाला है। अगर इसके बावजूद कोई स्कॉर्पियो अभी भी कंप्लेन कर रहा है, अभी भी सेहत की खराबी महसूस कर रहा है, अभी भी रिश्तेदारी में ट्रबल महसूस कर रहा है, अभी भी कामयाबी उसे आसानी से नहीं मिल रही, तो फिर ये उसका इनफरादी मसला है, फिर उसको इनफरादी तौर पर टैकल करना चाहिए। और उस टैकलिंग में ओपल इज़ द आइडियल स्टोन, इसकी केमिस्ट्री स्कॉर्पियो नेचर को रिकवर करने में बड़ी मददगार साबित होती है। एक आर्टिफिशियल फ्यूल मिलता है, एक कैटलिस्ट एबिलिटी, कैटलिस्ट को उर्दू में अमल अंगेज कहते हैं, जो चीज़ें स्लो चल रही होती हैं उन्हें फास्ट कर देता है। फ्रेंडली रेडिएशन की वजह से दिमाग तेज़ी से काम करता है, आइडियाज़ तेज़ी से आते हैं और इंसान उससे अपनी ज़िंदगी में वो जो थोड़ा सा गैप था कामयाबी और नाकामी के दरमियान उसे दूर कर पाता है। साथ में सूर्य शम्स पढ़ना वक्त की खराबी को दूर करने का बहुत बड़ा टूल है, टूल ऑफ सक्सेस है। मैंने 15 साल में कितने हज़ार अपने क्लाइंट्स को सिर्फ सूर्य शम्स से क्योर किया, रिकवर किया, ठीक किया। अगर ओपल पहने और साथ में सूर्य शम्स पहने और लाइट कलर के कपड़े वेयर करें तो ये आपके लिए एक रेमेडी बनेगी। होपफुली इससे आपको मामलात सुलझते हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन अगर उसके बावजूद ना सुलझें तो हम लोग मंडे को 29 अक्टूबर रात 10 बजे पहला लाइव सेशन करने जा रहे हैं यूट्यूब पर ही, एस्ट्रोजेम ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से।
उसमें आपके डेट ऑफ बर्थ लेकर, आपका टाइम ऑफ बर्थ लेकर, आपका प्लेस ऑफ बर्थ लेकर, इंडिविजुअल आपका असेंडेंट और आपकी स्टार पोजीशन, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन से आपके जो मसाइल हैं या उनका जो हल है या जो खुशखबरी आने वाली हैं वो बयान करेंगे। आप भी हमसे कॉल पर रब्ता कर सकेंगे, नंबर आप उधर स्क्रीन पर चलेगा। तो आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड जो सवालात हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल जो मैं आपकी हेल्प कर सका, वो मैं ज़रूर करूँगा। सो मंडे को रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। हम लोग लाइव सेशन के साथ मंडे को रात 10 बजे आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेक।